दिलीप कुमार जी न केवल एक बेहतरीन अभिनेता और एक अच्छे गुरु थे बल्कि एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने वक्त के साथ खुद को ढाला भी और लोगों को वक्त के साथ चेंज होने के लिए मोटिवेट भी किया। इन्होंने हमेशा बॉलीवुड में यंग जनरेशन को बेहतरीन काम करने के लिए मोटिवेट किया है और उन्हें गाइड भी किया है। इसीलिए आज जहां दिलीप कुमार जी के निधन के बाद न केवल उनके फैंस और बॉलीवुड के उन अभिनेताओं को दुख हुआ जिन्होंने उनके साथ काम किया था, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए नए अभिनेताओं को भी दिलीप कुमार जी के जाने का बेहद दुख है और इन अभिनेताओं ने अपने शब्दों से इनके जाने का दुख जाहिर किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं यंग जनरेशन के अभिनेताओं से मिलवाने वाले हैं और इन्होंने दिलीप कुमार जी के निधन पर क्या रिएक्शन दिया ये भी बताने वाले हैं। तो आइए एक एक कर बात करते हैं। नंबर वन, राजकुमार राव। राजकुमार राव ने दिलीप कुमार की डेथ पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मेरे पापा दिलीप कुमार जी के बहुत ही बड़े फैन हैं, इसीलिए बचपन में मैं अक्सर उनके साथ बैठकर दिलीप कुमार जी की फिल्में देखा करता था और उनकी अदाकारी से काफी इंस्पायर हुआ करता था, पर आज जब वो इस दुनिया में नहीं रहे और मुझे उनके जाने का बेहद दुख है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नंबर टू, अहान शेट्टी। अहान शेट्टी ने दिलीप कुमार जी के निधन पर कहा कि आज हमने भारतीय सिनेमा के एक बेहतरीन सितारे को खो दिया है। हम कितने बदनसीब हैं कि हमें उनसे ज्यादा कुछ सीखने का मौका नहीं मिला। अलविदा दिलीप साहब जी, आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। नंबर थ्री, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ को भी दिलीप कुमार जी के निधन से बहुत ही बड़ा सदमा लगा है। इन्होंने कहा कि मेरे पिता ने दिलीप जी से अभिनय क्या होती है ये सीखा था, वो मेरे पिता के बहुत ही करीब थे, इसीलिए अक्सर मैं भी उनसे हमेशा मिलता जुलता रहता था। वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना था, पर मुझे ये मौका नहीं मिला, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नंबर फोर, करण देओल। करण देओल ने कहा कि मेरे दादाजी और दिलीप कुमार जी काफी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मैं अक्सर अपने दादाजी के साथ दिलीप कुमार जी से मिलने जाया करता था और वो मुझे ढेर सारी चॉकलेट के साथ ढेर सारा प्यार दिया करते थे और काफी अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे। वो मेरे लिए मेरे दादाजी के जैसे ही थे, पर आज उनके जाने का मुझे बेहद दुख है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जहाँ रहेंगे वहाँ से हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। नंबर फाइव, नमाशी चक्रवर्ती। मिथुन दा के बेटे नमाशी चक्रवर्ती ने भी दिलीप कुमार जी के निधन पर अपना दुख जताते हुए कहा कि वो एक लेजेंड थे, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। अब शायद ही हमें उनके जैसा कलाकार देखने को मिलेगा। हम आपको हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। दिलीप जी, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को दिलीप कुमार जी के जाने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।